हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे कोहड़ा पत्ता का पकौड़ी, कोहड़ा फूल का पकौड़ी। ये कोहड़ा का फूल है, इसका पकौड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए हम ले लिए हैं फूला हुआ चना दाल, इसके साथ अरवा चावल है, इसको भी साथ में ही फूलने दे दिए थे, और एक अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च और 10-15 लहसुन का कली है। तो जार में डाल के इसको हम पीस लेंगे। फूल को हम इस तरीके से साफ कर लिए हैं। मेरे पास 5-6 फूल था, उसको ये कोहड़ा का फूल है, इसको हम इस तरीके से साफ कर लिए। और यहाँ हम पीस के लाए हैं वही चना दाल, अरवा चावल और इसमें जो मसाला मिलाए हुए थे, अब इसको हम एक कटोरा में निकाल ले रहे हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे, ज़्यादा गाढ़ा है इसलिए हम थोड़ा सा पतला कर देंगे। और यहाँ कढ़ाई हम चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। तो यहाँ हम मिक्स कर लिए हैं बेसन को, आप चाहे तो बेसन में भी बना सकते हैं, लेकिन चना दाल, पिसा हुआ चना दाल में अगर ये पकौड़ी बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने। और यहाँ तेल गरम हो गया है, अब इसको हम दो फूल इस तरीके से उठा लेंगे इस तरीके से, और इसमें हम डुबा के चारों तरफ लगाना है इस तरीके से, हमको चारों तरफ लगाना है इस तरह से। हम लगा लिए, डिप कर लिए और इसके बाद इसको हम तेल में डाल दिए इस तरीके से। इसी तरह से सभी फूल को इसी तरह हम डालेंगे। और तेल में ऐसे हम छोड़ देंगे और इधर हम छोड़ने से इसको हम उलट पलट लेते हैं, इसको हम पलट ले रहे हैं। इसका पकौड़ी बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। तो आप भी चना दाल में कभी अगर इस तरह का पकौड़ी मिले, फूल मिले, तो कोहड़ा का फूल, तो इस तरह का पकौड़ी बना के खाइएगा। और इसको चना दाल पीस के ही बनाइएगा। इस तरह का कोहड़ा फूल का पकौड़ी आपको अगर बढ़िया लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह से आप भी बना के खाइए।